तो फ्रेंड्स देखो किस तरीके से है जो मसाला को है जो पीसा जा रहा है और ये खड़ा मसाला है बिल्कुल। और हाँ तो फ्रेंड्स अचार एकदम रेडी हो चुका है और देख सकते हैं आप। और देखो मम्मी चेक कर रही है खा के, और अचार का टेस्ट है जो बिल्कुल मस्त आ रहा है। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज मेरी बात करें तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। एंड गाइज आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मम्मी क्या बना रही है। मम्मी बना रही है अभी नीचे मूली का अचार, और वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो देसी तरीके से एकदम मूली का अचार बनाया जा रहा है, और बिल्कुल सरल तरीके से। और किस तरीके से मूली का अचार बनता है वो आप देख ले खुद ही अपने आँखों से। एंड गाइज मम्मी है जो मसाला नीचे तैयार कर रही है, और मूली को है जो टुकड़ा करके और पहले से ही तैयार करके रखा गया था। सो फ्रेंड्स दिखाता हूँ मैं आपको, यूं ही बने रहे मेरे ब्लॉग में। सो गाइज मूली का अचार बन दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से देसी तरीके से एकदम बनता है। सो गाइज चलते हैं मम्मी के पास। फ्रेंड्स देखो किस तरीके से जो मिर्ची को भूजा जा रहा है, और अजवाइन को जो पहले ही भूज लिया गया है, और ये अचार के लिए तैयार हो रहा है। जो मैंने बताया था आपको कि मेरे यहाँ पे जो मूली का अचार बनने वाला है उसके अंदर मसाला तैयार किया जा रहा है उसके अंदर डालने के लिए। तो ये सब मसाला है, आप देख सकते हैं खड़ा मसाला है बिल्कुल। और सरसों को जो है भूजा जाएगा बिल्कुल देसी तरीके से, और इसके अंदर दिखाता हूँ मैं अब क्या क्या है। धनिया और सरसों, पीला सरसों, काला सरसों, दोनों सरसों है। और ये डाला जाता है मूली के अचार के अंदर। तो आज मसाला तैयार हो रहा है, देखो किस तरीके से मसाला बनता है अचार का। देखो कितने तो फ्रेंड्स ये सरसों भी तैयार हो गया है, पक गया है। और इसको देखो उतारा जा रहा है, और अभी और इधर देखो वो रखा हुआ है सरसों, इसको भी जो रखा जाएगा इसके ऊपर डाला जाएगा तवे के ऊपर। और देखो फिर किस तरीके से जो ये गर्म है तवा, इस वजह से देखो कैसे कैसे ये उड़ने लग जाता है। देखो तो फ्रेंड्स इसी तरीके से जो मसाला भूज के वो डाला जाता है, जिससे कि अचार का जो स्वाद बिल्कुल टेस्ट एकदम अलग ही आता है, मज़ा आ जाता है, का टेस्ट भरपूर आता है, बढ़िया आता है एकदम। और देखो काफ़ी तो उड़ने लग गया ये, एंड सरसों और धनिया की वजह से खुशबू जो है बढ़िया आ जाता है उसके अंदर, चाहे आप कोई सा भी अचार देख लो अचार के अंदर खुशबू एकदम बढ़िया आता है। अब बिल्कुल जैसे तरीके से जो अचार बनने वाला है, और मैं उस दिन लेके आया था खेत में जो उखाड़ के मूली, उसका वीडियो भी अगर आपने देखा होगा तो मूली को है जो काट के और मम्मी ने धूप में सुखाया था वो भी मैंने डाला था वीडियो में, देखा होगा आपने मेरा पिछला ब्लॉग। फ्रेंड्स अचार है जो वो धूप में ज़्यादा नहीं 7-8 दिन सुखाया जाता है ताकि उसका पानी निकल जाए, और उसको डिब्बे में रख दिया गया है। और इसके अंदर डालने के लिए देखो ये मसाला तैयार हो रहा है, और मसाला हो गया तैयार, साबुत मसाला है, और इसको पीसा जाएगा। फ्रेंड्स यूँ ही मेरे ब्लॉग को लास्ट तक देखने के लिए मेरे वीडियो में बने रहे, आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसको पीस के और उसमें मिलाया जाता है अचार में, और अचार तैयार होगा बिल्कुल घर पे जैसे तरीके से बन रहा है ये अचार मूली का अचार। हाँ तो फ्रेंड्स देखो किस तरीके से जो
मसाला को है जो पीसा जा रहा है और ये खड़ा मसाला है बिल्कुल। और इसके अंदर मैंने दिखाया था कि क्या क्या है जो तावे पे भूजा जा रहा है, और मसाला है जो अचार में खड़ा ही डाला जाता है। और देखो इसको एक बार मम्मी ने पीस दिया है और दूसरी बार इसको पीसा जा रहा है। इसको बिल्कुल पतला पीसा जाएगा, उसके बाद फिर जब मसाले को मिलाया जाएगा मुझे क्या अचार में, और बिल्कुल देसी तरीके से अचार बनने वाला है। तो फ्रेंड्स ऐसे सूखा पीसने में ज़्यादा बेहतरीन बनता है अचार, और उसका खुशबू है जो बहुत बढ़िया आता है। अभी खड़ा मसाला डालने के बाद अचार का है जो टेस्ट ही बदल जाता है। तो फ्रेंड्स ये घर का अचार है एकदम देसी तरीके का, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल देसी तरीके से ये बनाया जा रहा है। इसको मम्मी बना रही है, और आपने बहुत सारे अचार खाए होंगे, हर चीज़ का अचार होता है, आंवले का अचार, केरी का अचार, मिर्ची का अचार, नींबू का अचार, हर चीज़ का अचार होता है। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आज मूली का अचार किस तरीके से बनाया जाता है। अगर आप भी बनाना चाहते हो मूली का अचार तो घर पे इस तरीके से बना सकते हो। मसाले की बात करें तो इसमें जो पूरा खड़ा मसाला डाला गया है, इसमें जो सूखा मिर्ची खड़ा ले लिया गया है ज़्यादा नहीं 100 ग्राम, और उसके बाद इसके अंदर लहसुन अगर आप डालना चाहते हो तो लहसुन भी ले लो, और सरसों, काला सरसों, पीला सरसों, जो भी सरसों हो वो ले सकते हैं आप, वो भी अपने मसाले में मिला सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर धनिया है जो वो भी आप मिला लें, और सबको एक साथ गरम कर ले तावे पे, और उसके बाद फिर इस तरीके से आप पीस सकते। इसको एकदम ऐसे बुरादा बनाना है मसाले को, खड़ा मसाला बिना पानी डाले, और फिर उसके बाद इसको मिक्स किया जाता है अचार में, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मिक्स किया जाता है। और फिर सरसों का तेल डाल के और नमक डाल के, नमक तो पहले ही डाला गया था अचार में गलने के लिए, जल्दी वो गल जाए, और धूप में रखा गया था 8 से 10 दिन धूप में रखें, उसके बाद फिर अचार तैयार हो जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल है जो तैयार हो चुका है, और ये देखो किस तरीके से मसाला एकदम तैयार किया गया है, और ये देखो इधर है जो मूली का अचार है जो इधर रेडी है, एकदम मूली है जिसको काट के और सुखाया गया था। और हाँ तो फ्रेंड्स देखो इसके अंदर रख लिया गया है इस डिब्बे के अंदर, और इसके अंदर है जो ये पूरा जो मसाला है उसको मिक्स किया जा रहा है, और इसको हमने छत पे रखा था इस डिब्बे को। और अब इसके अंदर देखो सरसों का तेल मिलाया जा रहा है, सरसों का तेल डाल के और फिर उसको मिलाया जाएगा। देखो डाल दिया गया है सरसों का तेल, और अब है जो इसको मिक्स करा जा रहा है। एंड फ्रेंड्स के नमक तो पहले ही डाल दिया गया था गलने के लिए, और ये जो है गल चुका है, और बहुत ही टेस्टी है जो बनने वाला है ये अचार, क्योंकि घर का पूरा एकदम खड़ा मसाला जो होता है बिल्कुल वो डाला गया है इसके अंदर, इसके अंदर, और इसको अब मिलाया मिक्स किया जा रहा है अच्छे तरीके से। हाँ तो फ्रेंड्स अचार एकदम रेडी हो चुका है, और देख सकते हैं आप, और देखो मम्मी चेक कर रही है खा के, और अचार का टेस्ट है जो बिल्कुल मस्त आ रहा है। और फ्रेंड्स मैं भी अब चेक करूँगा तो कैसा है अचार, खूब मस्त है। फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग वीडियो जो आपको कैसा लगा, सो फ्रेंड्स मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि मेरा ब्लॉग वीडियो जो आपको कैसा लगा।
एंड गाइज मेरे लाइव से रिलेटेड यूं ही ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एंड गाइज मेरे वीडियो को है जो लाइक कर दें। एंड गाइज मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से जो मूली का अचार मम्मी ने बनाया है। सो फ्रेंड्स यूं ही मैं अपने लाइफ से रिलेटेड ब्लॉग और नए नए ब्लॉग देने वाला हूँ आपको। सो गाइज मिलते हैं अपन अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।